लेबर मिस्त्री कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला और मेरा पूरा ही पोपट कट गया आज तो। हेलो जी, नमस्ते, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने लंच कर लिया है फिनिश, तो अब चलता हूँ मैं सीधे ऊपर, तो दिखाता हूँ कि हमारे लेबर मिस्त्री जी ने कितना किया है काम। उन्होंने एक दीवार कंप्लीट कर दी थी, अब वो स्ट्रक्चर घुमा रहे थे दूसरी तरफ, क्योंकि सुबह जो दीवार दी थी उसमें स्ट्रक्चर रखा था उन्होंने, जो उसके बाद सेकंड दीवार दी उसमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, तो तीसरी दीवार में स्ट्रक्चर की जरूरत थी, तो अभी तक शिफ्ट कर लिया होगा उन्होंने। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम किया है उन्होंने। तो चलिए पब्लिक, मैं रूम से बाहर निकला ही था कि देखिए हमारे साथ कौन आ चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? स्नोवर जी आ चुके हैं, एक दिन काम पे आए थे हमारे वहाँ स्नोवर जी, और उसके बाद भाग गए, किधर आए, यहाँ पर नए नए आ गए है सारे। तो स्नोवर जी, अरे सुनिए तो सही, स्नोवर जी भाग चुके थे यहाँ से, तो बड़ी मुश्किल से आज पकड़ के लाया स्नोवर जी को। आज नहीं छोड़ेंगे तुम्हें दमदम आदम। तो स्नोवर जी गए थे दूसरे काम में, तो अभी छुट्टी करके ये यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है, तो कल से बाद शायद यहीं पर आएंगे ये मेरे काम में। तो चलिए देखते हैं आते हैं या नहीं। हमारे स्नोवर जी बहुत ऊपर के आदमी है, क्यों महान आदमी है, महान आदमी है, बहुत काम करते हैं क्यों स्नोवर जी। तो देखिए हमारे लेबर मिस्त्री जी ने स्ट्रक्चर वहां से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो अब लग चुके हैं ये दीवार के काम में भी। स्ट्रक्चर देखिए कितना मतलब मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे टाइम लग जाए इसके लिए तो इनकी भी सेफ्टी है इसमें, क्योंकि अगर थोड़ा भी ये बल्लियां जो हिल जाती है तो गिरने का खतरा रहता है, तो चलो सही है इनके लिए भी। तो देखिए हमारे लेबर मिस्त्री जी ने यहाँ पर पूरा मजबूत स्ट्रक्चर बना दिया है, और हमारे इंद्र देव जी तो लग चुके हैं यहाँ पर दीवार लगाने। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी दीवार नहीं लगा रहे हैं, अभी नाप नपाई कर रहे हैं यहाँ पे, पहले पूरा नाप नपाई करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही दीवार देना स्टार्ट करें। जो सुबह इन्होंने मसाला बनाया था वो भी खत्म हो चुका था, तो देखिए ये लोग फिर से मसाला बना चुके हैं यहाँ पर हमारे लेबर जी, तो बहुत ही मेहनती बंदे हैं हमारे इंद्रदेव जी भी, क्योंकि ये लेबर मिस्त्री दोनों का काम करते हैं। तो देखिए सुबह खत्म हो चुका था लेकिन इन्होंने फिर से बना दिया यहाँ फिर से मसाला, और अब यहाँ पर ऊपर नाप नपाई कर रहे हैं। जैसे नाप नपाई का काम खत्म होता है तो फिर से दीवार देना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। एक्चुअली ये अपना काम खत्म करके दूसरी जगह से हमसे मिलने आया है, क्योंकि ये उस दिन आया था, देखो जिस दिन हम लोग रेत भर रहे थे, अगर आपने ब्लॉग देखा है मेरा रेत भरने वाला तो आप लोगों को याद होगा उस दिन भी ये आया था। तो आज इसका काम जल्दी खत्म हो गया तो ये सीधा हमसे मिलने आया है, तो क्या बात है स्नोवर यार, तुम तो हमारे प्रिय मित्र बन गए। और बताइए स्नोवर जी आज क्या काम किया आपने? मैंने सोलिंग किया पत्थर का ना। अच्छा, सोलिंग मतलब जो ये जैसे ये फर्श है, फर्श में इन्होंने छोटे छोटे पत्थर रखे, उसके ऊपर से मसाला डाल दिया, और जैसे हम लोग टाइल लगाते हैं ना, अगर टाइल नहीं लगाते हो आप तो उसकी जगह फर्श होता है, तो जैसे ये मतलब सीमेंट रहते का, तो आप लोगों को पता ही होगा, बेस्ट तो मैं जनरली बता रहा हूँ। चलिए सही है स्नोवर जी, तो और हमारे काम में कब आ रहे हो? अगले साल। कल तक आ रहे हो? नहीं नहीं, दो चार दिन के बाद। तो चलिए स्नोवर जी दो चार दिन बाद फिर से आएंगे हमारे काम, तो फिर से ब्लॉग में आ जाएंगे। ठीक है स्नोवर जी, चलिए आपको चाय पानी पिलाते, खाना खिलाते हैं। तो चलिए, तो स्नोवर को भेज दिया है मैंने नीचे चाय पानी पीने, तो अभी मैं थोड़ा ब्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगा स्नोवर के पास। देखिए मौसम हो चुका है फिर से साफ, अरे टची नहीं हुआ सॉरी, अरे नहीं मुझे लग रहा है, मैंने मतलब पीछे देखा ही नहीं, मैं फोन में देख रहा था कि पीछे मौसम साफ हो गया, लेकिन बादल वैसे ही अभी। तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी आज, क्योंकि पूरा मौसम साफ है, आसमान नीला है, बस थोड़े से बादल है कहीं कहीं पे, तो इतने में बारिश नहीं आती है। तो एक दो दिन के लिए हम खुश हुए क्योंकि हमारी दीवारें सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद शटरिंग का काम चलेगा ऊपर लेंटर डालने के लिए, तो बाकी देखते हैं भगवान जी की मर्जी है कब वो बारिश दे कब क्या करे। तो देखिए हमारे इंद्रदेव जी अभी जो हमारा दरवाज़ा है इसका नाप ले रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं ये सीधा है या नहीं, सूता कर रहे हैं इसको, बिल्कुल सूत में ला रहे हैं। अगर दरवाज़ा थोड़ा सा भी हिल गया तो बाद में प्रॉब्लम आती है, वो तो आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। तो देखिए इंद्रदेव जी लगे हुए हैं यहाँ पे सूत करने, बिल्कुल दरवाजे को बिल्कुल सीधा यहाँ पर देखिए,
वो देखिए हमारे साथ और दो नए मित्र आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर कुमार। नंद किशोर कुमार जी, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार, तो ये दोनों जो हमारे इंद्रदेव जी हैं, इनके मित्र है, ये लोग साथ में ही काम करते हैं। फिलहाल ये दूसरे जगह पर गए थे, तो इनका काम ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से ये देखने आ गए कि यहाँ पर कितना काम हुआ है या नहीं। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, तो यहाँ पर भी आइए, तो मेल मिलाप ज़्यादा होगा, क्योंकि इंद्रदेव जी को तो हम बिल्कुल जानते हैं। इंद्रदेव जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हो चुके हैं। चलिए ये भी आते रहेंगे हमारे साथ अब आगे को। आज देखने आए थे कि ये कितना काम हो चुका है, क्या कर रहे हैं। ये भी पास में एक और घर बन रहा है, वहाँ पे गए थे ये काम करने। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा लगा। तो देखिए आज नए नए मित्र आ रहे हैं मिलने, तो बहुत अच्छा लग रहा है जब नए लोग आते हैं, नए लोग से बातचीत होती है, उनके विचार आते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए, इसमें अगर कमी रह गई हो या कुछ अच्छी चीज़ हो, मतलब हर चीज़ का पता चलता है। तो अच्छी बात है पब्लिक, अगर कोई आपके वहाँ आता है, कुछ सलाह देता है, कुछ बताता है, ये ऐसे होने चाहिए वैसे, मतलब ये खिड़की ऐसे, दरवाजा ऐसे, तो अच्छा लगता है। चलिए मेरी खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती पता नहीं ऐसा ही कुछ बोलते कि आ रहे हैं हमसे सलाह कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं ये वो चीज़, तो अच्छा लगता है यार। क्या करें पब्लिक, हम भी अच्छे, पब्लिक भी अच्छी। अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं हमारे मिस्त्री जी यहाँ पे नाप नपाई करने, जो नए मित्र आए थे वो भी बता रहे हैं कुछ इनको। तो मैं जाता हूँ नीचे अपने, देखता हूँ कि स्नोबर जी ने चाय पानी किया या नहीं, इन्हें भी चाय पानी बनाना है। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है हाल अपने स्नोबर जी का। ओ हमारे स्नोबर जी, हाँ चाय पानी हो गया आपका? हाँ जी। चलिए और कुछ खाना वगैरह खाओगे? बस बस। तो स्नोबर जी का टाइम भी हो गया, अब घर जाना है, घर जाके इन्हें थोड़ा खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि इनके पिताजी हैं इनके साथ रूम में, तो ये जाएंगे घर को। ठीक है स्नोबर जी, मिलते हैं और दिन, पका आइए, काम में आइए, फिर दिखाते ब्लॉग में। ठीक है स्नोबर जी? ठीक है। ओके जी, मैं नीचे आया, मैंने फटाफट से चाय बनाई और ऊपर ले गई। जैसे ही मैं ऊपर गया, मैंने क्या देखा कि जो लेबर मिस्त्री आए वो तो चले गए और मेरा पोपट हो गया। लेबर मिस्त्री कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा पूरा ही पोपट कट गया आज तो। मैं स्नोबर को देखने नीचे आया, मुझे लगा कि स्नोबर ने चाय पानी पिया या नहीं, तो स्नोबर ने तो चाय पानी पी लिया था। मैं फटाक से गया, मैंने चाय बनाई, मैंने सोचा चलो दूसरे नए लेबर मिस्त्री आए उन्हें भी चाय पिला लेते हैं। मैं चाय बनाई और मैं जैसे ही ऊपर गया ना, वो गायब। सच में पोपट कट गया यार, पब्लिक पोपट कट गया आज। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे पोपट कटता रहता है। तो फिलहाल मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय पब्लिक।